भैया गाड़ी टाटा की। हाँ जी। और जूती बाटा की। क्या बात है, गाड़ी टाटा की जूती और ड्राइवर का भी घर पूरा और मालिक का भी घर पूरा। हाँ जी। एक बार आयशर चलाई थी। हाँ जी। बस उसने रुला दिया, एक बार भारत बहन चलाई थी, कपड़े हाँ उठा के भाग लिए। कर दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो 2000 भाई मेरे पास गाड़ी खड़ी है, 9 मॉडल। आज इसके मालिक बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या भाई खूबियां हैं। गड्डी टाटा की जूती बाटा की ऐसे कहावत नहीं बन गई है। तो भाई का ट्राला काफी पुराना है, गाड़ी भाई अभी भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। गाड़ी भाई देखते हैं क्या क्या गाड़ी में अंदर खूबियां हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते जूती बाटा की, गड्डी टाटा की। टाटा के मालिक होते हैं जो काफी भाई खुश होते हैं। तो मैं बता देता हूं ये गाड़ी कौन सी है, कितनी इसकी HP है, कितने साल पुरानी है। काफी खूबसूरत भाई गाड़ी ये बना रखी है, साथ का कैबिन है। तो गाड़ी के अंदर जा रहे भाई जी, क्या हाल चाल है उस्ताद जी? खा रहे इस टाइम गोलियां, थोड़ा उस्ताद जी का कवर फायर बजा हुआ है। उस्ताद जी कैसे हो? बस बढ़िया सर। और कैसे चल रही गड्डी? गाड़ी बढ़िया चल रही, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, बढ़िया घर चल रहा है, बढ़िया गाड़ी चल रही है। गाड़ी को ले चुके आप तक, कहाँ कहाँ गाड़ी को घुमा चुके हैं? ये भैया 8 मॉडल गाड़ी है, ये पूरा हिंदुस्तान घुमा चुके हैं। अच्छा जी। और 6 साल से हम यही गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी। और भैया गाड़ी टाटा की। हाँ जी। और जूती बाटा की। क्या बात है, गाड़ी टाटा की और ड्राइवर का भी घर पूरा और मालिक का भी घर पूरा। हाँ जी। गाड़ी अगर लेनी है तो टाटा लो, ना तो आयशर लो, ना भारत बैंज लो। अगर कोई भी एक गिरा हुआ मालिक है, उठा हुआ मालिक है, अगर उसको काम जाब होना है तो गाड़ी टाटा। ये मेरी 8 मॉडल गाड़ी है, 2518 TC 12 बाल। हाँ जी। तो गाड़ी ऐसी बाल की गाड़ी है, 180 का HP इसके इंजन है भाई, 2008 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी देख सकते हैं भाई, अभी भी भाई का जो है बढ़िया रोजी रोटी चल रही है। भाई की अगर टायरों की बात करें, कितनी जोड़ी सर आज तक टायरों की लगा चुके आप? सर टायर का तो अनगिनत अनगिनत अनगिनत। अच्छा, बाकी भगवान की कृपा है, आज तक कोई गलत टायर गलती की वजह से टायर नहीं फटा है। जैसे कोई अपनी गलती से कट लग गया, अपने से लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। और नया टायर तो खाली लगाया, नया खाली लगाया आगे। अच्छा, 24 साल हो गए ड्राइवरी करते, उसमें आज तक नया टायर पीछे नहीं चलाया हमने। अच्छा, पीछे चलाया रीसोल टायर, रेडियल टायर रीसोल, आगे MRF नया। बस। अच्छा, तो गाड़ी के भाई अंदर चलते हैं उस्ताद जी से कुछ और भी हम बातचीत करते। हाँ जी। बड़ा स्टीयरिंग, 12 बाल गाड़ी। हाँ जी। ये सीट भी सर आपने लगता कार की ही लगा दी इसमें? हाँ जी सर, हमने ये दुलिया से लगवाई थी। अच्छा, 1500 की। क्या बात है जी, तो काफी इसमें फायदा रहता है इस सीट का जी? इस सीट में सर थकावट नहीं है। अच्छा, ना ही सुस्ती है। हाँ जी, इसमें कंफर्टेबल पूरा इस सीट में। ये कैबिन वगैरह सर साथ का गाड़ी का या फिर? बिल्कुल बिल्कुल सर, चैसी आई थी उसी वक्त बनवाया था, बॉडी कैबिन वही चल रहा है अभी तक, इसके ऊपर हमने कील भी नहीं लगवाया। अच्छा, भगवान की कृपा से भाई गाड़ी देख सकते हैं बढ़िया तरीके से उस्ताद जी की है। और उस्ताद जी एवरेज कितनी करती है अगर गाड़ी 10 चक्का की बात करे तो? सर एवरेज तो अपने ऊपर है। अच्छा, जैसा माल वैसा दाम। अगर काम बढ़िया करा के रखेंगे गाड़ी का तो एवरेज 5 की भी देती है। अच्छा जी। नहीं तो नॉर्मल मार के चलो 4, 4.5, 4, 4.5 की एवरेज। कितना वजन डालने पे सर? वजन सर 18 टन। अच्छा, 18 टन पास करती गाड़ी? हाँ 18 टन पास करती है। हाँ जी। 19400 छोड़ते हैं। हाँ जी। टोल पे बॉर्डर पे? हाँ जी। 29400। हाँ जी। 29400 छोड़ते हैं, उसमें 18 टन वेट पास करती है हमारी। अच्छा जी। तो सर बात करें किलोमीटर की, कितने लाख किलोमीटर जो है चल चुकी गाड़ी है? सर इसका तो मीटर ही बंद हो गया अब। अच्छा, मीटर ही बंद हो गया? हाँ जी, इतनी चल चुकी। कितने लाख पे मीटर बंद हुआ इसका? सर कोई 6 लाख पे। 6 लाख पे मीटर बंद होगा, तो कैसे पता लगता है स्पीड वगैरह का फिर? स्पीड सर RPM के हिसाब से चलते हैं और स्पीडर मीटर के हिसाब से चलते हैं। अच्छा जी, तो माड़ा जी गड्डी को कर दो स्टार्ट, कैसी है इसकी भाई धाकड़ आवाज? सुनो सर, हाथ में नहीं रखने देती। लो वाह जी वाह, क्या बात है जी। तो ये गाड़ी भाई 2008 मॉडल गड्डी है, क्या बात है। लो जी आवाज देख सकते हैं आप, एकदम काफी प्यारी साउंड है। सुनो आवाज। वाह जी वाह, कितने सर गियर है इस गाड़ी के जी? इस गाड़ी का सर 7 गियर है। अच्छा, बैक मिला के। अच्छा, 6 आगे को, 1 पीछे को। एक पीछे को। हाँ जी। तो कहाँ कहाँ सर चलते हैं आप गाड़ी लेकर जी? सर जिधर का मिल जाए, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलोर, चेन्नई। हाँ जी।
कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, जिधर का मिल जाए, अच्छा कहीं का भी मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए, श्रीनगर मिल जाए, हाँ जी, कारगिल मिल जाए, हाँ जी, बस कारगिल से आगे नहीं। कौन सी लाइन ज्यादा आपको पसंद है, साउथ या नॉर्थ? हमें तो साउथ लाइन पसंद है सर। अच्छा साउथ लाइन क्यों पसंद है? साउथ लाइन सर हम सर चले ही शुरू से साउथ में। अच्छा जी, तो जैसे नॉर्थ लाइन कलकत्ता साइड उधर भी गए आप? उधर भी गए पर उधर दिल नहीं लगता हमारा। अच्छा दिल नहीं लगता, साउथ लाइन को लगता दिल ज्यादा? जो कलकत्ता कलकत्ता की से हम कहते हैं काली लाइन। काली लाइन क्यों, ऐसा क्यों है? ए, इसमें पुलिस वाले आरटीओ वाटीओ इनका बहुत लफड़ा है। अच्छा इसलिए हम उधर जाते नहीं है, अपने को नहीं जचती वो लाइन। साउथ लाइन चलते ज्यादा, साउथ लाइन ठंडी लाइन है, मजे से चलो, जहाँ मर्जी दिल करे वहीं सो जाओ। हाँ क्या बात है, ना कोई चोरी ना चकारी, जिधर चोरी होती है उधर पहले ही सो जाते हैं हम। अच्छा तो चोरी कहाँ कहाँ सर साउथ लाइन में भी होती ज्यादा? सर चोरी पूरे एमपी में होती है, पूरे मध्य प्रदेश में, नयागांव बॉर्डर से लेके तुम्हारा ये गुजरी घाट के नीचे तक चोरी है। अच्छा कभी आपके साथ भी ऐसे गुंडे मवाली कभी पड़े हो आप? नहीं सर हमारे साथ तो पड़े नहीं है, लेकिन जो आगे गाड़ी जा रही थी हमने उस गाड़ी पे देखा, कंटेनर पे चढ़े हुए थे। अच्छा उसका कंटेनर का दरवाजा खोल रहे थे। हाँ जी, तो उनको देख के हमने अपनी गाड़ी भगा ली। अच्छा तो अगर दूसरे बंदे को बताए कि आपकी गाड़ी में चोर चढ़े हैं तो क्या आपके ऊपर ही पड़ जाते हैं उनको छोड़कर? सर मरना है क्या वो बता के, आगे उनके बंदे खड़े थे कार लेके। हाँ जी चोरी रुक गई। हाँ जी तो हम ठुक गए। अच्छा चोरी रुक गई था आपको ठोक दिया? हाँ इसलिए जान बचाओ और भागो। अच्छा तो भाई का क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा पूरा नाम है जी जीवन ज्योति। जीवन ज्योति कहाँ के रहने वाले जी आप? जिला जलंधर जी। अच्छा जिला जलंधर पंजाब के रहने वाले? पंजाब के। तो सर और भी आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, बैड एक्सपीरियंस? नहीं बस शुरू से गाड़ी लेनी। अच्छा गाड़ी लेनी, कितने साल हुए गाड़ी चलाते हुए जी? ये सर 94 से चला रहे हैं। अच्छा 1994 से गाड़ी चला रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो क्या बात है जी, कोई परेशानी भी आई आज तक, दिक्कत भी हुई कोई? दिक्कत तो नहीं आई आज तक, बस बस यही है भी घर बढ़िया चलता है, मजे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, टाटा गाड़ी चला रहे हैं, शुरू से मौज ले रहे हैं। वाह जी वाह क्या बात है। एक बार आयशर चलाई थी, हाँ जी, बस उसने रुला दिया। एक बार भारत बैन चलाई थी, कपड़े उठा के भाग लिए। अच्छा दोबारा टाटा के अलावा लीलैंड पे भी नहीं चढ़ेंगे, लेकिन गाड़ी टाटा और लीलैंड दो गाड़ी बढ़िया है। लीलैंड गाड़ी भी टॉप की है। हाँ जी टाटा और लीलैंड की रिस कोई नहीं कर सकता। हाँ जी इसका मुकाबला कोई सी कंपनी कैसी भी गाड़ी बना दे। हाँ जी चाहे उड़ने वाली गाड़ी भी बना दे। हाँ जी पर टाटा और लीलैंड का मुकाबला कोई गाड़ी नहीं कर सकती, कोई कंपनी नहीं कर सकती। हाँ जी जो टाटा गाड़ी है कि ये ऐसी गाड़ी है, आप आपकी गाड़ी अगर कोई प्रॉब्लम आती है हाँ जी तो साइकिल वाले के पास भी इसका सामान मिलता है। अच्छा इसलिए आप टाटा गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा साइकिल वाले के पास भी सामान मिल जाएगा और साइकिल वाला भी ठीक कर देता है? साइकिल वाला भी इसका स्पेयर पार्ट दे देगा। अच्छा जी और गाड़ियों का स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ जी और गाड़ियों का तो भागते रहो एजेंसियों में, पैसे खराब करते रहो, आएगा एजेंसी में मैकेनिक आ जाएगा, कल आएगा परसों आएगा। हाँ जी ड्राइवर की जेब में पैसे नहीं है। हाँ जी खत्म हो गए, कभी किसी से भीख मांग ढाबे वाले से बोले यार आज खिला दे मालिक डालेगा, तो ऐसा काम ही क्यों करें? सही बात, ऐसी गाड़ी क्यों चलाएं? सही बात है, गाड़ी वो चलाओ जिसमें सुखी रहे। हाँ जी हम भी सुखी, मालिक भी सुखी। हाँ जी तो ये थी भाई टाटा की जानकारी। भाई का कहना है कहीं भी स्पेयर पार्ट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि स्पेयर पार्ट गाड़ी का नहीं मिलता, तो टाटा जब भी गाड़ी निकालता है पहले मार्केट में स्पेयर पार्ट गाड़ी का जो फेंक देता है हर मार्केट में हर दुकान पे, ताकि कल को है जो दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये थे भाई जीवन ज्योति जी, जिन्होंने अपनी है सारी हड बीती आप बीती बताई है कि गाड़ी कैसे जो है टाटा नंबर वन यहाँ तक बनी है। तो आपसे भी आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो और भी वीडियो के बारे लेकर आएंगे। चंगा जी सत श्री अकाल, मुझे दीजिए इजाजत, और भी वीडियो लेकर आएंगे ड्राइवर भाइयों से, हाल चाल गाड़ी का भी हाल चाल पूछा था, ड्राइवर भाई का भी पूछा था। और चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं आप करते यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपके भाई का चैनल है, आपको भी कहीं ढाबे पे कहीं आपको मैं मिल जाता हूं। तो चंगा जी सत श्री अकाल, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताओ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।